बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं भाई लोग शुरू। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि गंदम की कटाई हो चुकी है और साथ साथ घाई भी हो रही है, वो पीछे देख रहे हैं आप। तो अभी हम भी यानी कि बरियाँ वगैरह ढो रहे हैं, तो इसके बाद हमारी भी गंदम की बारी है। तो हमने भी गंदम अभी निकाल लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। और अभी मेरा भतीजा अहमद वो भी हंस रहा है और भाई भी हंस रहे हैं कि अकील वीडियो बना रहा है। ये देखो, ये दांत निकाल रहा है अभी खड़ा। तो मैं भी भरी खा लूँ यार। तो यहाँ पे फिलहाल हमने सारी अपनी गंदम इकट्ठी कर ली एक जगह ही, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अभी ना निकल रही है, ठीक है, ताई की बेटी की है, तो वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और ये इनकी गंदम हुई है, ठीक है। और बाकी ये भाई थोड़ी निकल रही है, एकदम ज़बरदस्त माहौल है। अभी हमारी गंदम शुरू होनी है। ये अहमद शतानियाँ कर रहा है, अभी इसकी बारी आएगी अभी काम पे। तो बस थोड़े 10 मिनट और हैं, बस फिर अहमद की बारी आ जाएगी काम करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इनके अपने ही खेत हैं, कहता चाचे तायों के सारे ना, ये सारे खेत हैं। ये मेरे चाचू की है गंदम, ठीक है, इसके साथ वाला खेत हमारे हैं, ठीक है, वो साथ वाला। तो हमने उठा के सारी यहाँ पे रखी है, बड़े भाई साहब खारिज कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह बस अब थोड़ी देर ही है, उसके बाद हमारी बारी है। तो फिर देखता हूँ कि गाले वगैरह मैं लगाता हूँ या फिर भाई हाफिज़ लगाते हैं, दोनों में से कोई एक लगाएगा, क्योंकि भाई तनवीर गाले वगैरह नहीं लगाते, वो जस्ट दानों पे रहते हैं, ठीक है, दाने वगैरह उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं, बाकी काम हमारा ही होता है। हमने इसीलिए ढो के साथ ही रख लिया एक बार, क्योंकि करीब से उठानी फिर आसान रहती है, बंदा जैसे मर्जी एक बंदा ही उठा दी जाए, कोई मसला नहीं बनता। तो बाकी बस ये कम्प्लीट हो चुकी है और अब आएगी हमारी बारी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त माहौल के साथ, ठीक है। तकरीबन 1 बज रहा है दोपहर का, ठीक है, शुक्र है कि मौसम काफ़ी ठंडा है, वरना मत बच जानी थी यार गर्मी की वजह से, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी हो रही है, तो इस वजह से ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा होने की वजह से ना, हमने कहा यार जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, क्या पता कब बारिश आ जाए, ये भी कोई पता नहीं है भाई सीन का, तो इसीलिए ना बस जल्दी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बेचारे कितने बुज़ुर्ग हैं ये, ठीक है, ये बेचारे यहाँ से सारे चिट्टे वगैरह इकट्ठे किए उन्होंने, इकट्ठे करके तो अब ना उनके दाने निकलवा रहे हैं मशीन वाले से कह के, ठीक है, कि चलो यार ये देखो बेचारे इतने बुज़ुर्ग बंदे हैं और अपने रोटी पानी का गुजारा करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हालाँकि इनकी औलाद माशाल्लाह से जवान है, बड़ी है, कोई छोटी मोटी भी नहीं है, वो अपने बच्चों वाली है, लेकिन माँ बाप बेचारा देख लें, वो यानी कि खेतों में काम कर रहे हैं अभी भी इतने बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी। ये हमें सबको चाहिए यार, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, माँ बाप जैसी नेमत बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी में एक बार मिलती है और उसकी कदर कर लेनी चाहिए। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ जो है माई है, सारी निकाल ली हमने, ये देखें हर चीज़ क्लियर कर दी है और अब कर दी है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो भाई लोग हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी मज़ीद नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी
तक पहुँचे।